क्यों? मैं इसके पहले गया था, 2 घंटा मैं बैठा था, कुछ हुआ नहीं था, अब बहुत बोर हो गया था। वही गाइस, चलो चलते। मुझे काफ़ी दिनों से अपना ये सब कराना था, हेयर कट, वैक्सिंग एंड ऑल दैट, एंड आज फाइनली संडे है, टाइम मिला तो हमने बोला चलो चलते हैं। चलो भाई, अभी मैं बहुत ज़्यादा टाइम पास करने लग गई, चलो मैं जल्दी से निकलती हूँ। नमस्ते भाई बहनों, ये है मेरा न्यू ब्रांड, न्यू प्यूमा के शूज। सो गाइस, चलो अभी मैंने अपना टॉप बदला लिया, बिकॉज वैक्सिंग करानी होती है, सो हम टू लेजी टू एक्चुअली चेंज फॉर द गिफ्ट, तो मैंने बोला यही पहना था, उसमें वैक्सिंग करा लूँगी मैं। अब ये देखो गाइज, मैं अपने इस पॉकेट में डालूंगी वॉलेट। चलो गाइज, अभी हम निकलते हैं, मैंने बैग ले लिया है, बैग में छतरी सब डाल दिया है, हमारी जो कार है वो गई है रिपेयर के, तो हमें ऑटो से ही जाना होगा, तो हम ऑटो पकड़ के जा रहे हैं। एंड ये रहा मेरा आउटफिट। गाइस पहुंच गए, अभी हम अभी हेयर कट सबसे पहले करा रहे हैं, सो अहमद अंकल मेरा हेयर कट कर रहे हैं, अच्छे से करना अंकल। आप लोग ने देखा है गाइस, जब कोई एनिमल्स का हेयर कट करता है, तो आज आप देख सकते हैं कैसे एक मिक्स ब्रीड ऑफ एनिमल डॉग एंड पिग का हेयर कट हो रहा है। तो गाइस, अपर लिप हो गया मेरा, ये अब नेल्स कराना है। सो गाइस, मैं अपने नेल्स ग्रो किए हैं जेल पॉलिश लगाने के लिए, मैं आपको मेरा डिज़ाइन दिखाती हूँ, ये दिख रहा है आपको, ऐसा करा रही हूँ, जस्ट आई एम डूइंग ब्लैक वाइट एंड ग्रे, क्योंकि हर आउटफिट पे जमेगा। सो या, इट्स माय फर्स्ट टाइम पुटिंग ऑन सम जेल पॉलिश, सो लेट्स सी। गाइस, क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं जाती हूँ और पानी पूरी खाती हूँ। अरे ये देखो आयु जहाँ पे रहती है, आयु का दूसरा घर दिखाती हैं। गाइस आप पूछते थे ना हमको घर दिखा दो, तो यहाँ पे आयु पहले रहती थी, जहाँ से हमने उसको रेस्क्यू किया था। तो गाइस आपने जैसे देखा, मैंने अभी पानी पूरी खाया, चेंज भी मिल गया 500 का मेरे को, फिर उसके बाद अब मैं जा रही हूँ वापस आयु से मिलने, देखने की उसका हो गया कि नहीं, क्योंकि अब मैं बोर बहुत हो रही हूँ। अभी हेयर नेल्स अपर लिप सब हो गया, अभी हम जा रहे हैं लोखंड वाला मार्केट, मेरा इयररिंग का पीछे वाला पार्ट लेने एंड एक ब्रेसलेट लेने और एक पेंडेंट बस। तो गाइस आए हैं हम अभी यहाँ पे नेकलेस एंड ब्रेसलेट लेने, नेकलेस मुझे कोई जमा नहीं, अब ब्रेसलेट देखते हैं। गाइस मैंने ये रिंग लिया है एंड ये ब्रेसलेट ब्लैक एंड वाइट, मैंने कुछ नहीं लिया गाइस, मुझे कोई जमा नहीं। हम जा रहे हैं एक ज्वेलरी की दुकान में, मेरा एक इयररिंग का मसला है, मैंने इंक लेना है एंड वी गोना बी डन। तो ये अभी मानसी को कॉल कर रही है, ये पूछ रही है कि उसको क्या पहनना चाहिए कल और परसों के लिए, और ये देखिए ये सब कपड़े जितने दिख रहे सब ड्राई करके मेरे को दिखा रही है बार बार, इतना सारा कल का आउटफिट परसों का आउटफिट सब डिसाइड कर रही हूँ, मेरे को सब कपड़ा पहन के दिखा रही हूँ, मैं हूँ जो सुबह उठ के लास्ट मोमेंट पे डिसाइड की मैं शर्ट पैंट पहन रही हूँ। गाइज अब आउटफिट भी तो इम्पोर्टेंट है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन सब फ्रेंड्स के साथ अच्छा बनना चाहिए ना। तो मम्मी ये देखो, एक देखो गाइज आउटफिट ये है, आप देख सकते हो गाइज, यार मम्मी मेरे फैशन एमरजेंसी में कुछ काम ही नहीं आ रही है। कोई नहीं, अभी मैं खा लेते, फिर अब मीरा का जो रिस्पॉन्स रहेगा, मीरा अनुष्का मानसी में से जिसका ज़्यादा प्रभाव रहा उसका हम देख के कर लेंगे फाइनल। सो गाइज आज है मेरा ओरिएंटेशन एंड मैं सुबह के 9 बजे गाइज 9 बजे के तैयार हुई हूँ एंड अभी टाइम हो रहा है 10:14 एंड ये तो मतलब ब्रेकफास्ट कर रही हूँ एंड मैं ये आउटफिट पहनी हूँ, ये टी शर्ट एंड ये पैंट। सो या कल मेरा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है, मैं एक्साइटेड भी हूँ, हल्की सी नर्वस भी हूँ। गाइस मैं जूता पहनती हूँ एंड हमारे स्कूल में एक्चुअली
अभी तक कोविड गया नहीं है तो मास्क कंपलसरी है। ओरिएंटेशन में उन्होंने अनुष्का के बताया था, अब देखते हैं मेरी ओरिएंटेशन में क्या क्या बताते हैं। हमें अपने बस का देखना है, यूनिफॉर्म भी खरीदना है। सो अनुष्का का स्कूल जो है ख़त्म होगा आज 12:50 को, एंड हमारा ओरिएंटेशन दिखाया गया है कि 12:30 ख़त्म होगा। सो ये 20 मिनट्स हम सोच रहे हैं कि हम लोग बस का देख लें एंड यूनिफॉर्म खरीद लें। ओरिएंटेशन ख़त्म हो गया एंड हमको स्कूल ने ये दिया चॉकलेट्स भी है इसमें गाइस। अभी हमने ले लिया स्कूल यूनिफॉर्म, अभी जा रहे हैं, ऑटो पकड़ रहे हैं, घर जा रहे हैं। हे गाइस, तो हम लोग घर आ गए एंड यूनिफॉर्म लेने गए थे बेसिकली ओरिएंटेशन के बाद। ओरिएंटेशन में हमें पूरा बताया गया एंड गाइस आपको पता है हमको ना, मुझे ना चॉकलेट भी मिला, डायरी मिला एंड वही मास्क, मेरे स्कूल का नाम लिखा हुआ मास्क मिला। एंड यूनिफॉर्म के लिए एक ग्रीन टी शर्ट और जो पैंट पी यूनिफॉर्म है वो मिल गया। टी शर्ट एंड पैंट अभी आना बाकी, उसको वो थर्सडे तक मिलेगा, वेडनेसडे थर्सडे तक। इसलिए मैं अपने खुद के कपड़े कल पहन के जाऊँगी, फिर परसों मैं अपना यूनिफॉर्म पहनूंगी। एंड मैं आपको दिखाना चाहती थी मेरा आउटफिट गाइस। ये अनुष्का की शर्ट विद द नेकलेस एंड जीन्स एंड मैं इसके नीचे कॉनवर्स शूज पहन लूंगी एंड दैट बी इट। तो अम्मी मैं ये पहनूं फिर जो आप देख रहे हो? यस्टरडे से हां आउटफिट ट्राई कर रही हूं। कल सुबह जाना है, आज सेंचुरी जी परेशान करी तू ना, 5 बजे उठ रहा, फिर 6 बजे तक ना के 7:30 बजे तक तू ना आउटफिट डिसाइड करते रहना। हां गाइस, 8 बजे से 1 बजे स्कूल रहेगा कल मेरा, सो मैं उठूंगी 6 बजे। गाइस कल मेरा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है। गाइस आपको पता है कल है मेरा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। आई नो कल मेरा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है। चुप रहना भाई, बंद करना तेरा बकवास, बंद कर अभी। मेरे साथ गाइस एक भूतिया चीज हुई। हाँ गाइस, आपको पता है काफी दिनों से हमारे घर में ना, मेरे रूम में जो दरवाजा है ना खुद ही खुला जा रहा है बार बार, पता है, इट्स सो क्रीपी। एंड लाइक खुद ही खुल जा रहा है, लाइक बीच रात को कभी 12 बजे कभी 3 बजे, क्या क्या टाइम को, 2-3 दिन से हो रहा है। तो गाइस मुझे अभी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, लाइक मेरा आई थिंक पेट खराब है, पेट काफ़ी दर्द कर रहा है एंड सिर थोड़ा दर्द कर रहा है, उल्टी सा लग रहा है। सो गाइस अभी टाइम है बैग पैक करने का, सो मैं पैक कर रही हूँ एंड नींबू पानी भी पी रही हूँ जिससे मेरा पेट बेहतर हो, क्योंकि ओह गॉड इट हर्ट्स माय स्टमक हर्ट्स मेरा थोड़ा सा। मैं कल के लिए ये बैग ले रही हूँ बिकॉज मुझे ज़्यादा सामान कैरी नहीं करना है। सो दिस इज अ ट्यूटोरियल फॉर व्हाट यू पैक इन योर बैग फॉर द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। सो 2 नॉवेल्स, देन ये दो ट्रांसपेरेंट पाउच है, एक में ट्रांसफर करना है, देन दिस डायरी। सो गाइज मेरा पाउच यहाँ पे पैक हो गया, बस स्केल नहीं है तो स्केल थोड़ा देखना होगा, पेंसिल सब शार्पन करके सब डाल दिया। ये मेरा वॉलेट है क्यूट सा एक्सेसराइज से गाइज, इफ यू वांट टू नो। सो गाइज मेरा सब हो गया, ये तैयारी, बैग तैयार है, कपड़ा भी यहाँ पे तैयार है, एवरीथिंग इज रेडी। आई जस्ट हैव टू वेक अप टुमारो एट 6 AM एंड गेट रेडी फॉर स्कूल। एंड मैंने ये दवाई ले ली क्योंकि मेरा पेट दर्द और सिर दर्द हो रहा था। स्पेशल डे के लिए स्पेशल परफ्यूम, मम्मी का महंगा परफ्यूम मैं ख़राब कर रही हूँ। गाइस आई एम रेडी, ये देखो ये है मेरा आउटफिट, सो मैं रेडी हूँ एंड ये मम्मी। मम्मी आपकी बेटी का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, आपको कैसा लग रहा है? मैं भी उठ गई हूँ, देखो मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊंगी अभी, तुम जाओगी मैं सो जाऊंगी। चलो सॉक्स पहनते शूज पहनते हैं। अनुष्का 7 बजने वाला है, मैं निकल जाऊंगी तेरे बिना। गाइज अनुष्का अभी ब्रश कर रही है यार, मुझे फर्स्ट डे ऑफ स्कूल टाइम पे रहना है, मैं तो इसके बिना ही चली जाऊंगी। गाइज गाइज मैं एक्चुअली ये बैग लेके जाने वाली, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हो कितना ये भर गया, बॉटल भी फिट नहीं हो रही है इसमें। सो राइट नाउ मेरे पास टाइम है थोड़ा, सो आई एम जस्ट गोना स्विच माय बैग ऑन टू ये वाला बैग। सो गाइज बैग ट्रांसफरिंग इज डन। फेलिसिटेशन में जो बिलाबोंग में हुआ था उसके बाद आपको रिवील हो गया था कि हमारा कौन सा स्कूल है। तो एक्चुअली किसी सब्सक्राइबर ने हमारे स्कूल को कॉल किया पूछने के लिए अनुष्का के मार्क्स। सो फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अभी ये नया जो स्कूल जिसमें हम जा रहे हैं हम रिवील नहीं कर सकते सिक्योरिटी रीजन की वजह से। सो गाइज लिफ्ट आगे मैं जा रही हूँ, मम्मी बाय मैम। चलो गाइज मैं लिफ्ट आगे, बाय बाय। गाइस मैं स्कूल से आ गई, मेरा स्कूल का डे बहुत फर्स्ट अच्छा था। अभी आपको
डिटेल्स जानना है गाइस। अच्छा आपको जानना है इसलिए आपको बता रही हूँ, मैं आपको पकाती नहीं हूँ, आप पूछ रहे हो तो बताती हूँ। पहले मैं स्कूल आई, स्कूल तो मैं कुछ 15 मिनट पहले ही आ गई थी, तो लिफ्ट में ही नीचे मैं मेरे IBDP के क्लासरूम में क्लासमेट से मिल गई थी, और उसके बाद हम लोग साथ में लिफ्ट में गए, फिर ऊपर गए। मेरे IBDP में 20 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली काफी महंगा है, ज्यादा लोगों ने लिया नहीं है, लेकिन 20 स्टूडेंट्स हैं, हम सब लोग बहुत क्लोज हो गए एक ही दिन में। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर गए, फिर ऊपर गए क्लासरूम में गए, तो हमारा IBDP क्लासरूम 3 है, फुटबॉल खेला, फिर उसके बाद स्नैक ब्रेक था, हम लोग गए थे नीचे कैंटीन में, वहीं बैठ के हम लोग सब खाए। एंड मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पूरी क्लास 20 लोग ही तो हैं, सब मेरे दोस्त हैं, सब बहुत कूल लोग हैं। हम लोग ने ये कैंटीन में वो लोग सब बता रहे थे, काफी सब इसी स्कूल के कुछ नए कुछ इसी स्कूल के, तो सब बताई थी कैंटीन में कौन सा खाना अच्छा है कौन सा बुरा है, तो मैंने वो शेजवान राइस खाया, अच्छा था। फिर उसके बाद क्या लेक्चर था, उसके बाद फिजिक्स लेक्चर था, एंड मैंने अनुष्का के भी बहुत सारे क्लासमेट से बात की, अभी कल सीनियर से भी मिलूंगी, तो बहुत ही ज्यादा कूल पीपल थे, बहुत मजा आया। एंड अगर आपका फर्स्ट ईयर स्कूल हो चुका है तो आने वाले कमेंट करना आपका फर्स्ट ईयर स्कूल कैसा गया था। एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, पसंद आया तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, सो प्लीज सब सपोर्ट करा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मोस्ट इंपोर्टेंटली मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।